नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। अब आप देखेंगे वो शो जहां सरकार और सिस्टम से आंकड़ों की जुबानी, पूरी पड़ताल के बाद सवाल पूछे जाते हैं। वो शो जो जनता की आवाज है, यानी घंटी बजाओ। घंटी बजाओ हर उस व्यक्ति की जुबान है जिसकी सुनी नहीं जाती। आने वाले दिनों में कई राज्यों में चुनाव है, जिसे देखिए वो गरीब की, आम आदमी की, आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति की बात करता है। लेकिन जब इसे अमली जामा पहनाने की बात होती है तो ये सारी बातें बेमानी हो जाती हैं। आज हम आपको चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब की ऐसी रिपोर्ट दिखाने वाले हैं जिसमें गरीब की कराह तो है, लेकिन उस पर मरहम लगाने के लिए ना कोई सरकार है ना कोई राजनीतिक दल। इस साल ठंड पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। घर में गर्म कपड़े पहनकर बैठने पर सर्दी लग रही है। सोचिए जरा उन गरीबों के बारे में जो हार कपाने वाली इस पूस की रात को खुले आसमान के नीचे काट रहे हैं। कहने को रैन बसेरे हैं लेकिन बदहाल हैं। तो जाहिर है इस मद में भरपूर सरकारी फंड जाता होगा, लेकिन गरीब की, मजबूर की आखिर सिसकी सुने कौन, क्योंकि सरकार बनाने में शायद उसकी कोई भूमिका नहीं। रिपोर्ट देखिए और 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। सच यही है, गरीब मरता है तो मर जाए, परवाह किसी को नहीं। सर्द रातों में जिस्म अकड़ कर ठंडा पड़ जाए, परवाह किसी को नहीं। जब खुला आसमान ही छत बन जाए तो सर्द हवाओं की चादर और कोहरे के कंबल में लिपटी ये जिंदगियां कब, कहां, सांसों की डोर छोड़ दें, पता किसी को नहीं। तो जी हम यहाँ पड़े हैं, गरीब आदमी है, मगर यहाँ अब रहने का तो कुछ है ही नहीं है, पुल के नीचे पड़े हैं। इन तस्वीरों को शब्द नहीं चाहिए। इस मासूम की मुस्कुराहट में सारे गम भले ही छिप जाएं, लेकिन हाड़ कपा देने वाली ठंड में इस तरह सड़क किनारे रात गुजारते लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल है, ये समझना मुश्किल भी नहीं। तस्वीरें देहरादून की हैं। वही देहरादून जहां दिन के वक्त कुछ ऐसा नजारा होता है, नेताओं के जिंदाबाद के नारे लगते हैं, चुनाव का शोर होता है, लेकिन रात के सर्द सन्नाटे में कोई नेता इन गरीबों को झांकने भी नहीं आता, न सत्ता पक्ष के न विपक्ष के, क्योंकि शायद ये किसी का वोट बैंक नहीं, इसीलिए इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया गया है। इस वक्त मैं देहरादून के ISBT के फ्लाईओवर के नीचे हूं और आप देख सकते हैं यहां पर जो है किस तरीके से लोग जो है यहां पर सोए हुए हैं। खुले में यहाँ पर लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर खुद से जो है आग जलाकर के जो है जो ये कपड़े अपड़े जो यहाँ के जो भी सामान जो लकड़ियाँ हैं इनसे आग ताप रहे हैं। कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या आपके लिए सरकार ने कुछ किया नहीं है क्या, अलाव वगैरह की? कुछ भी नहीं भैया, कुछ भी नहीं, सरकार हमें कुछ भी नहीं दिया। यहाँ आए ज्यादातर लोग बाहर से आए हुए हैं जो दिन में काम करते हैं, लेकिन रहने का कोई ठिकाना न होने के कारण रात में यहाँ सोने चले आते हैं। रात के इस पहर में यहाँ का तापमान करीब 3 डिग्री तक पहुँच चुका है। ठंड में ठिठुरते लोग खुद ही किसी तरह आग का इंतजाम करते हैं। प्रशासन की तरफ से ना अलाव की व्यवस्था, ना इन्हें रैन बसेरे में भेजने की कोई कोशिश। कड़कड़ी ठंड में ये लोग खड़े करके अपने पास बैठे हैं, एक एक कम्बल में 3-3 आदमी घुस के बैठे हैं। मैं तो बोलता सरकार से दुआ लगाता हूँ कि भैया इनके लिए कंबल की व्यवस्था करो, पहले तो रहने की व्यवस्था करो, और रहने की नहीं कर सकते तो इनके लिए कंबल वगैरह इस तरह की व्यवस्था करो जिससे इनके ऐसा ना हो कल के दिन इनके बच्चे बीमार हो जाए। हर रात ये लोग इसी तरह यहाँ आते हैं, खुले आसमान के नीचे सो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, लेकिन अब तक किसी ने इनकी सुध नहीं ली। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि ठंड के मौसम में इस तरह सड़क किनारे रहने वाले लोगों के लिए रैन बसेरे का इंतजाम करें, लेकिन प्रशासन ने क्या किया उसका सच आगे देखिए।
ये देहरादून के घंटाघर इलाके में बना रैन बसेरा है। हमारे संवाददाता ध्रुव मिश्रा करीब 11 बजे यहाँ पहुँचे तो गेट अंदर से बंद मिला। नहीं नहीं कोई अंदर है? अंदर आप दरवाजा ही नहीं खोल रहे हो, मतलब भैया गार्ड भी नहीं यहाँ पे। हमारे बार बार कहने के बावजूद रैन बसेरे के अंदर मौजूद शख्स ने गेट खोलने से इनकार कर दिया। उसने हमें बताया ये गेट रात में 9:30 बजे बंद कर दिया जाता है और फिर सीधे सुबह 6 बजे खुलता है। सवाल है कि ऐसा रैन बसेरा किस काम का जहां रात के वक्त कोई जा ही ना सके। रैन बसेरे के बाहर बोर्ड लगा है, ये परिसर सीधे देहरादून के डीएम के अधीन है। उसके बाद यहां का ये हाल और गरीब बाहर खुले में रात बिताने के लिए मजबूर। तो हमारा सवाल है देहरादून के डीएम आर राजेश कुमार से, क्या इस रिपोर्ट को देखने के बाद भी वो चैन से सो पाएंगे? क्या एक बार भी उन्हें नहीं लगेगा कि उनकी और उनके प्रशासन की लापरवाही के कारण ना जाने कितने ही लोग इस ठंड में सड़क किनारे खुले में रात बिताने को मजबूर हैं और यह मजबूरी उनकी जान पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहले ही एक शख्स की मौत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि प्रशासन ने यह जरूरी नहीं समझा कि ठंड में रात भर बाहर रहने वाले गरीबों को छत और कंबल मुहैया कराया जाए। चुनावी मौसम में अयोध्या चर्चा में है, लेकिन उसी अयोध्या में जब एक बुजुर्ग ने इस तरह सड़क किनारे दम तोड़ दिया तो उसकी कोई चर्चा नहीं हुई, कोई नेता यहां नहीं आया। शहर की कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर सुबह के वक्त जब लोगों ने एक बुजुर्ग को इस हाल में पड़े देखा तो पता चला कि उनका शरीर रात की कड़कड़ाती ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाया। ठंड के कारण इनकी मृत्यु हो गई। रैन बसेरा यहाँ पे तो है ही नहीं, लकड़ी की जो है समुचित व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। ठंड के कारण जो है कई लोग, एक नहीं कई लोगों की मृत्यु हो गई है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में 2017 से 2020 के बीच ठंड के कारण 775 लोगों की जान जा चुकी है। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का हाल आपने देख लिया, अब आपको ले चलते हैं पंजाब। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में बर्फीली हवाओं के साथ कई जगहों पर बारिश भी हो सकती है। तो सोचिए जो लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजारते हैं, ठंड के मौसम में होने वाली बारिश उन पर क्या कहर बरपाएगी? लेकिन सोचेगा कौन, क्योंकि सरकार तो चुनाव में व्यस्त है, ठंड में ठिठुरने वाले गरीबों के लिए वक्त ही कहां है। आप देखिए अमृतसर से एबीपी न्यूज रिपोर्टर गगनदीप शर्मा की ये रिपोर्ट। अमृतसर में इन दिनों रात के वक्त तापमान 2 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, इसके बावजूद यहां फुटपाथ और सड़क किनारे सोने वालों के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। बबलू और राजू दिन भर रिक्शा चलाते हैं, रात में डेंटल कॉलेज के पास इस छोटे से तंबू में सोते हैं। उनका कहना है कई सालों से वो यहाँ हैं, पर कभी किसी ने उनकी कोई मदद नहीं की। कब से यहाँ पे रह रहे हो टेंट लगा के? हमें कम से कम 5 साल हो गए सर। 5 साल हो गए इसी जगह पे टेंट लगा के रहते हैं। प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिलती है यहाँ पे? नहीं। कंबल वगैरह? नहीं, वैसे कोई लोग आते जाते दे जाते हैं, वैसे नहीं। अमृतसर के बस स्टैंड से मजीठा रोड को जाने वाली सड़क के किनारे पर जब आप सर्दियों के दिनों में रात को निकलेंगे तो सड़क पर पड़े ये लोग आप देख सकते हैं कि किस तरह सर्दी में जो कड़कड़ाती सर्दी है पड़ रही है अमृतसर में, वहां पे सोने के लिए मजबूर हैं क्योंकि रहने के लिए कोई इनके पास व्यवस्था नहीं है। और आप देख सकते हैं कि कंबल ओढ़ के जो ये लोग हैं यहाँ पे सोए हुए हैं। इस तरह अमृतसर के भंडारी ब्रिज के पास भी हमें 8 से 10 लोग खुले में सोते हुए नजर आए। उन्होंने हमें बताया सिर्फ इस बार नहीं, वो कई सालों से सर्दियां ऐसे ही खुले में गुजारते आए हैं, पर प्रशासन की तरफ से कभी कोई पूछने या मदद करने नहीं आया। आपको रहने के लिए कोई जगह नहीं है आपके पास? नहीं, हमारे पास नहीं है, होती तो हम यहाँ रहते। ये हाल तब है जब पंजाब में 2017 से 2021 के बीच ठंड से होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। 4 सालों में यहाँ 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई।
फिर भी सरकार सोई हुई है। चुनाव के वक्त तमाम राजनीतिक दल बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन ठंड से ठिठुरते इन गरीबों को सब ने उनके हाल पर छोड़ दिया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।